हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। इस वीडियो में बात करेंगे एमपीपीएससी नोटिफिकेशन 2019 का जो आने वाला था उसके देर से आने की अखबारों ने एक बार फिर से एक नई वजह दिखाई है। ये आज का न्यूज़पेपर है, ये है न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर, आज का ही आर्टिकल है। मतलब आज ये जो तारीख है आपकी 8 सितंबर का ये आर्टिकल है, इसको मैं पढ़ के दिखाता हूँ, देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए, एमपीपीएससी आरक्षण के कारण अब तक एग्जाम नहीं, तैयारी करने वालों का साल खराब। ये बात इसे कोई शक की बात नहीं है कि तैयारी करने वालों का पूरा साल खराब हो जाएगा। बहुत सारे लोग जो जिनकी एज ओवर हो रही है तो उनके लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उनके लिए तो कोई रिलैक्सेशन देगा नहीं एमपीपीएससी, तो ऑब्वियस बात है बहुत बड़ी परेशानी है। पिछड़ा शेड्यूल 15 सितंबर के पहले सरकार को रखना है हाईकोर्ट में अपना पक्ष। तो 15 सितंबर के पहले सरकार को हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखना होगा, क्योंकि आपको पता है ये मामला कोर्ट में लंबित है इस समय। अब देखिए, इसमें एक रीजन दिया है, अभी तक आयोग को नहीं भेजा मार्गपत्र, विशेषज्ञ बोले सरकार खुद नहीं चाहती भर्तियां कराना। और ये बहुत ही बड़ा आयोग के ऊपर, सरकार के ऊपर एक मामला है। अब देखिए, लिखा है इसमें, अब तक तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का रिजल्ट घोषित हो जाना था, लेकिन हालात यह है कि अभी तो सरकार आयोग को अपना मार्गपत्र तक नहीं भेज पाई। ऐसे में एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे युवा परेशान हो रहे हैं। मार्गपत्र का मतलब समझते होंगे आप, मार्गपत्र का मतलब ये है कि कितनी वैकेंसीज हैं, कैसे क्या हैं, इसका इसके लिए अभी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं गया। उनका एक साल खराब हो चुका है। ओबीसी का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% और आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग का आरक्षण भी 10% बढ़ाकर प्रतिशत करने से आरक्षण का प्रतिशत 50 से 73% हो गया है। तो मध्य प्रदेश में अब आरक्षण कितना है, 73%। इसी वजह से प्रदेश में अब तक एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन तक जारी नहीं हो सका। ऐसे में एमपीपीएससी से होने वाली प्रशासनिक अधिकारियों समेत अन्य भर्तियां अटकने से सभी वर्ग के युवाओं का नुकसान हो रहा है। अब इसके खिलाफ 4 युवाओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामले में 15 सितंबर के पहले सरकार को अपना पक्ष रखना है। अजाक्स और सपाक्स का कहना है कि सरकार खुद नहीं चाहती ये भर्तियां हों, सरकार चाहे तो पुराने नियमों पर भर्तियां करा सकती है ताकि सभी वर्ग के युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकें। एक अनुमान के अनुसार हर साल सिर्फ एमपीपीएससी में ही करीब 2.25 लाख परीक्षार्थी शामिल होते हैं, मतलब 2.25 लाख परीक्षार्थी एमपीपीएससी में शामिल होते हैं। देखिए, लिखा है इसमें, 2.25 लाख उम्मीदवार परेशान, 50% से ज्यादा आरक्षण होने पर हुए बने ये हालात। अब लिखा है इसे, प्रदेश सरकार ने 8 मार्च को अध्यादेश जारी कर ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया। इसके साथ ही इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन मतलब ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण लागू किया गया। अब एससी का 16%, एसटी को 20% आरक्षण भी जोड़ दिया गया, तो यह 73% हो जाता है। जबकि इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के प्रकरण में, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रकरण है इसको आप याद रखिएगा, इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने करीब 26 साल पहले अपने जजमेंट में कहा था कि कुल आरक्षण की समय सीमा जो है कुल आरक्षण की जो सीमा है 50% अधिक नहीं हो सकती। अगर आरक्षण किसी भी सूरत में 50% से अधिक होता है तो वह संविधान के खिलाफ है। जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद सरकार को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। इस मामले में सितंबर के 2 सप्ताह में सरकार को अपना पक्ष रखना है। ऐसे में अगर सरकार ठीक से पक्ष नहीं रखती तो मामला फिर उलझ जाएगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन है। वैसे देखा जाए तो तमिलनाडु सरकार है, महाराष्ट्र सरकार है, इन्होंने रिजर्वेशन की लिमिट ऑलरेडी 50% से ज़्यादा बढ़ा के रखी है। हालांकि उनको भी एक सॉलिड रीजन देना होगा कि क्यों ऐसा आप बढ़ा सकते हो, तो उसके लिए आपको फिर एक सॉलिड रीजन, चूंकि ऐसे सेंसस के ऐसे डेटा होने चाहिए आपके पास में कि ओबीसी को यदि आपने 27% रिजर्वेशन दिया है तो उनका रिप्रेजेंटेशन उस हिसाब से काफ़ी कम है, ये आपको सरकार को दिखाना होगा। परीक्षा कब होगी किसी को नहीं पता। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को सरकार नवंबर 2018 तक मार्गपत्र भेजती है। सरकार नवंबर 2018 तक मांग पत्र भेजती है, उसके आधार पर दिसंबर तक परीक्षा की तारीख घोषित हो जाती है। इस हिसाब से फरवरी में परीक्षा आयोजित हो जाना था, उसके बाद अक्टूबर तक रिजल्ट घोषित हो जाना था। चुनाव और आरक्षण के कारण अब तक सरकार मांग पत्र तक नहीं भेज पाई। ऐसे में परीक्षाएं कब होंगी किसी को पता नहीं है। इसका मतलब यह है कि मांग पत्र एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, मांग पत्र अभी तक सरकार ने आयोग को नहीं भेजा है, तो एक प्रकार से डाउट क्रिएट कर रहा है। अगला चीज है, अभी तक सरकार ने मांग पत्र नहीं भेजा, अभी तक सरकार की तरफ से मांग पत्र नहीं मिला है। मांग पत्र मिलने पर ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। चुनाव और अन्य कारणों से परीक्षा एक साल पिछड़ गई है, ये कहना है प्रोफेसर भास्कर चौबे, जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन है, उनका ये कहना है। दूसरा है, सरकार के जवाब के बाद ही आगे कुछ होगा। आरक्षण के 50% से अधिक होने के खिलाफ कुछ युवाओं ने हाईकोर्ट में आपत्ति लगाई है। सरकार को सितंबर के 2 सप्ताह में जवाब पेश करना है, इसके बाद ही आगे कुछ हो पाएगा, ये कहा है आदित्य संघी, जो एडवोकेट हैं। इसका मतलब ये है कि 15 सितंबर तक
सरकार को जॉब देना है तो 15 सितंबर तक यदि सरकार जॉब दे देती है और यदि क्लियर जॉब देती है तो हो सकता है इसके बाद वैकेंसीज सरकार निकाल सकती, सरकार मतलब एमपीपीएससी को पूछ सकती है वैकेंसी निकालने के लिए, मतलब मांग पत्र भेज सकती है। सरकार चाहती ही नहीं कि भर्तियां हों, ये कहना है डॉक्टर हीरालाल त्रिवेदी जी का, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सपाक्स पार्टी के हैं। सरकार चाहती नहीं कि भर्तियां हों, इसलिए आरक्षण को नियम विरुद्ध बढ़ाकर मामला उलझा दिया है, इससे प्रक्रिया अटक गई है। ऐसे में सरकार को पुराने नियम से ही चलना चाहिए। हालांकि ये तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, ऐसा कुछ कह नहीं सकते कि सरकार चाहती है कि नहीं चाहती, क्योंकि देखिए ओबीसी का रिजर्वेशन की जो बात करें तो ओबीसी का रिजर्वेशन कई स्टेट में ऑलरेडी बढ़ाया है और ऑब्वियस बात है 50% ज़्यादा क्रॉस किया है। महाराष्ट्र सरकार की यदि बात करें, हम तमिलनाडु की गवर्नमेंट की बात करें तो वहाँ पे रिजर्वेशन बढ़ाया है, लेकिन वो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के कारण ही बढ़ा सकते हैं। आपको एक प्रॉपर रीजन देना होगा कि आपने इस रीजन को लेकर बढ़ाया है, ठीक है। दूसरा है पुराने नियम पर ही भर्तियां कर सकते थे, ये कहना है विजय शंकर श्रवण का, जो प्रांतीय प्रवक्ता जाक्स के हैं। इनका कहना है अधिकारी नियुक्तियों को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, कोर्ट का निर्णय आने तक सरकार पुराने नियम पर ही भर्तियां करा सकती है, इससे सभी वर्गों के युवाओं का भला होगा। अब ये इनका कहना है, बात सही है, वैकेंसीज नहीं आई हैं तो फिर युवाओं को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कई सारे लोग ओवर एज भी हो सकते हैं, तो उन लोगों को जरूर बहुत बड़ी दिक्कत होगी। जो तैयारी अभी स्टार्ट की है उनके लिए तो कोई बात नहीं, उनके लिए तो अच्छी बात है, उनके लिए टाइम एक्स्ट्रा मिल जाएगा, लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं जो 40 साल पार कर सकते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी की सबब बन सकती है। अब ये 2001 से 2005 तक भर्ती पर लगी थी रोक। अब ये देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पेपर के आर्टिकल ने बहुत सारी चीजें डिस्कस की है। इसमें लिखा है दिग्विजय शासन काल में भी ओबीसी आरक्षण 27% किया गया था, इसके खिलाफ भी हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में सही से जवाब प्रस्तुत नहीं करने के कारण 2001 से 2005 तक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग गई थी। वर्ष 2006 में सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण वापस लेने के बाद भी ही भर्तियां शुरू हो पाई। अब इस बार की परीक्षा पर भी संकट गहरा गया है, उम्मीदवार परेशान हो रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, 2001 से 2005 तक हुआ नहीं, भर्ती नहीं हुई, तो ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। मध्य सरकार को इसे सबक लेना चाहिए। तो वो जो रीजन दें, जो भी रीजन दें, बिल्कुल सॉलिड रीजन दें, ऐसा मतलब गोल गपाल वाला जो फालतू का जो रीजन है वो ना दें, बिल्कुल सॉलिड रीजन दें, तभी जाके ये केस सॉल्व हो पाएगा और तभी जाके एमबीपीएससी वैकेंसी निकल पाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसे बहुत सारी चीज डिस्कस की थी, तो मैंने सोचा कि इसका वीडियो बना के आप लोगों के सामने हाजिर कर दें। वैसे एमपीपीएससी के लिए हमने वीडियो बनाना शुरू किया है, मेंस की प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए वो वीडियोस हम बना रहे हैं, मेंस के लिए कैसे कॉपियां लिखनी चाहिए आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, 3 नंबर, 6 नंबर, 15 नंबर क्वेश्चन कैसे लिखना चाहिए इसकी प्रैक्टिस हम अपने चैनल में करा रहे हैं। तो यदि आप उन वीडियोज को देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिले। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर, बाय बाय एंड टेक केयर।